तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखो। एक अच्छा सा क्वेश्चन है और आई होप कि आप इसको एंजॉय करोगे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। कहता है कॉस्मिक बॉडी ए, कोई कॉस्मिक बॉडी ए है, दिस इज द कॉस्मिक बॉडी ए, मूव अराउंड द सन विद वेलोसिटी वी नॉट फार अवे फ्रॉम द सन। फार अवे क्या मतलब होता है? फार अवे का मतलब होता है, हाँ, फार वेन फार फ्रॉम द सेंटर। फार मतलब होता है नो इंट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन, इनमें कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो कोई भी अगर अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो इसमें जो है नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या है? जीरो है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी, इनका पोटेंशियल एनर्जी जो है जीरो है। देखिए द एमिंग पैरामीटर स्मॉल एल, तो एमिंग पैरामीटर क्या है? ये अपना सन है और ये जो है दिस इज द एमिंग पैरामीटर, ये जो है एल, दिस एल इज द एमिंग पैरामीटर। और यहाँ से देखोगे ये एक कॉस्मिक बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है वो यहाँ से चली थी, कॉस्मिक बॉडी विथ वेलोसिटी वी नॉट से चली थी। ये पॉइंट फर्स्ट था, तो पॉइंट फर्स्ट पर उसकी वेलोसिटी वी नॉट थी। जैसे जैसे सन के पास आएगी तो सन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और ये पार्टिकल ऐसे कर्व में चलेगा, इस कर्व पे, ठीक है? तो इस कर्व पे ऐसे चलेगा, क्लियर है? तो कहता है वेलोसिटी वी नॉट सेंटर ऑफ द सन, ऑब्वियसली सेंटर के फ्रेम से, सन के से ही देख रहे हैं सब कुछ। मिनिमम डिस्टेंस विच बॉडी विल गेट टू द सन, मतलब सन का अगर मास, मतलब मैं जो है सन का मास अगर मैं एम ले लूँ, मास ऑफ द सन एम एस, तो मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा भाई? तो जब बॉडी सन के सबसे करीब होगी, ये इम्पैक्ट पैरामीटर है, इसको मैं बाद में इधर लिखता हूँ। तो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं जब बॉडी है वो यहाँ इस पॉइंट पर है, ये कॉस्मिक बॉडी इस पॉइंट पर है, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी तो इधर रहेगी, नो डाउट उसकी वेलोसिटी इधर है और वो हमें नहीं पता है, तो उसको मैं वी मान लेता हूँ, वी टू मान लेता हूँ, ये वाला यहाँ पे। और ये जो डिस्टेंस है, ये दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है, दिस इज़ द मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस, इसको मैं आर टू मान लेता हूँ, क्लियर है? और ये जो है, ये पूरा इम्पैक्ट पैरामीटर एल था, ये वाला, बात समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो ये टू पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट, ये दो स्पेशल पॉइंट है। अब हमें जो आर टू है इसकी कैलकुलेशन करनी है, वी नीड टू कैलकुलेट आर टू। तो हमें फाइनली आर टू कैलकुलेट करना है और यही हमारा टारगेट है। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कर्व है, पैराबोलिक पाथ है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा और नेट टॉर्क सिस्टम में जीरो है, क्योंकि ये बॉडी कहीं भी हो, समझ रहे ना, ये बॉडी कहीं भी हो, अट्रैक्शन फोर्स ऐसे ही लगेगा, ऐसे इसको अट्रैक्ट करेगा सन, ये कहीं भी हो ऐसे इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इस अट्रैक्शन पे जो नेट टाउ है, नेट टाउ वो है जब सन पे लिखोगे तो ये क्या चला जाएगा भाई? जीरो चले जाएगा। तो नेट टाउ यहाँ से जीरो चला जाएगा, तो नेट अट्रैक्शन जो फोर्स है वो सन से नेट टॉर्क अपना जीरो आ जाएगा। तो अब हमारा प्लान है, सबसे पहले मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द पॉइंट बी, इन दोनों पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा दूँ। तो अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा देता हूँ, तो बहुत ज़्यादा दूर था, जब बॉडी बहुत ज़्यादा दूर था, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके भी जीरो हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट फर्स्ट है, पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट है ए और ये पॉइंट बी है, वॉट एवर जो भी मान लो। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट। जब बी पॉइंट पे होगा, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे, उस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जी मास ऑफ द सन और मास ऑफ द प्लेनेट, और यहाँ से आर टू एक मिनिमम डिस्टेंस है, और हाफ काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ द प्लेनेट और वी टू का स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा, तो मैं मास ऑफ द प्लेनेट और टू से मल्टीप्लाई करूँ, तो वी टू स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन, और यह आ जाएगा आर टू यहाँ बचेगा और माइनस यहाँ से वी टू भी बचेगा, बी टू स्क्वायर। तो ये यहाँ से अभी मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे रहने देता हूँ, क्योंकि हमें आर टू निकालना है। तो आर टू निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, हम भी की भी एक वी टू अननोन है, वी टू अननोन है, आर एंड वी टू क्या है? अननोन है, ये अननोन है।
तो ए इस वी टू की वैल्यू निकाल के अगर मैं दूं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलो फाइनली मैं वी टू निकालता हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा देता हूँ इन दो पॉइंट पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू लिखो, तो मास ऑफ द प्लैनेट, और एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, एम वी आर, तो वेलोसिटी वी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंगुलर मोमेंटम एट, हाँ एंगुलर मोमेंटम नेट टॉर्क 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम एट द पॉइंट सन, सन पे मैं लिख रहा हूँ सन के एंगुलर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम की लाइन है एम वी नॉट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस एल है, तो ये यहाँ से एम वी नॉट एल बराबर होगा, ये टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला, तो मास ऑफ द प्लेनेट वेलोसिटी वी टू और डिस्टेंस आर टू। तो यहाँ से तुम देखोगे ये आर टू है, और आर टू और वी टू अननोन है, तो अब हमें आर टू चाहिए, तो यहाँ से जो वी टू की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, मास, तो वी टू की वैल्यू फाइनली मुझे मिल जाएगी वी नॉट एल अपॉन आर टू। तो यहाँ से ये रहा मेरा वी टू, और इस वी टू की वैल्यू को मैं अब पुट, हाँ पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट वाले में पुट कर दो, और वहाँ से तुम आर टू निकाल लोगे तो वो फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको पुट करता हूँ वी टू की वैल्यू, तो वी नॉट स्क्वायर तो यहीं रहने दो, इज इक्वल टू टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन, और ये आर टू, तो आर टू तो हमें चाहिए ही चाहिए यार आर टू, और माइनस वी टू, तो वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर टू का होल स्क्वायर। तो ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसको सॉल्व अगर मैं करूँ तो दोनों साइड आर टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर और आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन, और ये आ जाएगा आर टू माइनस वी नॉट का स्क्वायर एल का स्क्वायर। तो अगर तुम देखोगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने की अगर कोशिश करो तो एक बार रीअरेंज कर लो यहाँ पे, तो वी नॉट स्क्वायर आर टू स्क्वायर यहाँ बचा, और माइनस यहाँ से टू टाइम्स जी मास ऑफ द सन और ये आर टू, और प्लस वी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ से। तो यहाँ से जो आर टू की फाइनल सोल्यूशन आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस बी, मतलब माइनस बी, तो ये टू जी मास ऑफ द सन और प्लस माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 4 कैपिटल जी मास ऑफ द सन जी स्क्वायर एम, और इसका स्क्वायर, और माइनस 4 ए सी, तो माइनस 4 ए सी। अगर देखोगे यहाँ से फाइनली काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये माइ यहाँ पे एक लिटिल बिट पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, तो दिस साइन विल बी माइनस एंड दिस साइन विल बी प्लस। फाइनली इसको रीअरेंज कर लेना, यहाँ से तुम देखोगे तो ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, तो फाइनली यहाँ से एक, क्योंकि अगर कोई भी गलती होता है तो वो पता चल जाता है, तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, तो फाइनली ये प्लस होगा, और ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ से माइनस आएगा, ठीक है, तो यहाँ से निगेटिव आएगा, तो 4g² अगर देखोगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो 4v0² और 4v0² एल स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से अब ये तो है, और साथ साथ ये v0 का स्क्वायर, ये सब कुछ अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a का मतलब होता है v0 का स्क्वायर। तो फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आर टू विल बी मिनिमम, मिनिमम के लिए जो है वो पॉजिटिव साइन ले लेना, पॉजिटिव साइन ले लेना, तो आर टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फाइनली जी एम, तुम इसको जी मास ऑफ द सन और यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर, और ब्रेकेट में इसको ले लेना, और 1 प्लस एल वी नॉट का स्क्वायर इधर दिखेगा और इधर दिखेगा
जी एम का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये सब कुछ अंडर रूट रहेगा और ये -1 यहाँ ये दिखेगा। तो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन और ये मिनिमम वैल्यू है, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, R2 मतलब मिनिमम वैल्यू है ये, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ दोनों नेगेटिव साइन ले लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके लिए सॉल्व किए, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।